नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें साफ़ करना है कैनन पिक्समा G3010 प्रिंटर को। आपको चाहिए होगा एक तो गीला कपड़ा, ये मैंने गीला करके रखा हुआ है, एक ब्रश जो किसी भी पेंट वाले की दुकान पे मिल जाएगा आपको, और एक सूखा कपड़ा और चाहिए। प्रिंटर है तो इसलिए मैं सूखा रुमाल यूज़ कर लूँगा। तो अब लाते हैं अपने प्रिंटर को। ये रहा हमारा प्रिंटर पिक्समा G3010। तो थोड़ी बहुत मिट्टी इस पर लगी हुई है, तो पहले तो मैं गीला कपड़ा लेता हूँ और इससे पोंछ लेता हूँ इसको। फिर ये पेपर ट्रे है, थोड़ा आगे कर लेता हूँ प्रिंटर। तो ये पेपर ट्रे है, इसे भी हम साफ कर लेते हैं। तो तभी के तभी फिर आप अपना जो भी सूखा कॉटन का कपड़ा है उससे आप इसे पोंछ लो। वो बात अलग है कि अब जब मम्मी देखेंगी तो बोलेंगी। तो ये हमारा ऊपर का हो गया साफ। सो अब करते हैं इसे ओपन करते हैं, फिर अंदर से भी देखते हैं। यहाँ साइडों से भी हम इसे साफ़ कर लेते हैं, ये जो किनारे हैं यहाँ पे भी डस्ट जम रही है। सो इसे ओपन करते हैं। ये अपना स्कैनर का, तो जो भी इसका ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है आप उस पर मार लीजिए। सो यहाँ से हमारी निकल गई। और शीशे के लिए आप बिल्कुल साफ़ कपड़ा लेना। अभी तो ये मैं थोड़ा फोल्ड करके मार लेता हूँ और इसके ऊपर फिर मैं आपका कॉटन का कपड़ा। सो इससे क्या होगा, क्योंकि ये ही आपका स्कैन करता है तो ये प्लेट एकदम साफ़ होनी चाहिए, वरना फोटोकॉपी करते वक्त कुछ डस्ट पार्टिकल जा सकते। सो ये हमारा हो गया, तो इसे करते हैं बंद, इसे भी बंद करते हैं और अब इसे खोलते हैं। सो ये हमारे चेम्बर्स हैं, ये ब्लैकिंग का, ये कलरिंग के। सो इस पे भी खूब डस्ट जम रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। सो आप ब्रश लेना जो मैंने आपको बताया था। सो ये पुराना ब्रश है मेरे पास, नया लेके आऊँगा, बट चल रहा है तो चल रहा है। सो इस पे ऐसे अपना ब्रश मार लेना, ऐसे यहाँ पे। तो कुछ जगह है जहाँ पे आपका कपड़ा नहीं जा पाएगा। सो जितना हो आपको हल्का ये ब्रश से मार लेना यहाँ पे। सो अब हम लेते हैं अपना जो एक गीला कपड़ा हम लेके चल रहे हैं, सो उससे हम मारते हैं इस पे जितना हो पाए। ज़्यादा फोर्स नहीं करना हमें। सो जितना हो उतना आपको ऊपर से कर लेना है, फिर आप इसे बंद कर दो। सो इसके बाद आपको यहाँ अंदर मार लेना है कपड़ा, बट आपको ध्यान रखना है इसका, यही आपके पाइप्स हैं जिससे इंक जाती है। सो ये डेलिकेट होती है, तो इस पे आप कम से कम जितना हो उतना करना। सो ये हो गया, और यहाँ भी अंदर से मार लेता हूँ।
ये हमारा हो गया। उसके बाद अब मैं लेता हूँ अपना जो हम सूखा कॉटन का ले रहे थे कपड़ा, उससे फिर हम अपना ये कर लेते हैं, अंदर मार लेते हैं। ये हमारा अंदर से भी चमक गया है। अब ये हमारी पेपर ट्रे है, इसे भी साफ़ कर लेते हैं। सो मैं थोड़ा कैमरा लो नीचे करता हूँ। सो ये हमारी पेपर ट्रे, आप देख सकते हो अंदर भी धूल जम रही है, दिखती नहीं है इसमें। सो इसमें भी एक गीला कपड़ा लेके मैं मार लेता हूँ। सो ये हो गया है, और एक कॉटन का अंदर से, ताकि साथ के साथ कोई पानी जो है, अगर हल्का बहुत भी, वो भी आपका सूखता जाए। सो ये ट्रे भी गंदी पड़ी है, तो ये रखी रखी धूल जम जाती है इनमें। सो ये हो गया हमारा, ट्रे पूरी साफ हो गई। सो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, इन पे भी आप मार लीजिए गीला कपड़ा आप बार बार से। और इसका काम अब ख़त्म हो गया है, तो इसे बंद करता हूँ। सो ये इस कंपार्टमेंट है, इसे हम करते हैं बंद। ये हमारा हो गया बंद, तो अब फ्रंट से मार लेते हैं कपड़ा। सो अब साइड वेज करता हूँ। साइड से हो गया हमारा। अब अपना ये बैक से, अपना बैक से कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी जमी हुई है, सो जहाँ आपका कपड़ा नहीं जा रहा, तो आप वहाँ पे अपना ब्रश से क्लीन कर। सो हमें ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना, बस ठीक ठाक जहाँ तक जा रहा है आराम से उतना वहाँ पे कर लीजिए। और ये हो गया हमारा प्रिंटर साफ, ठीक है। सो अब इसे करते हैं फ्रंट पे, और ये था हमारा प्रिंटर कैनन G3010, जो कि हो गया पूरी तरह से साफ। तो यहाँ पे थोड़ी डस्ट रह गई है, ये और कर लूँ, माइनर सी है। ये अब हो गया हमारा साफ। ऐसे आपको करना है, और इसके ऊपर हमेशा एक कपड़ा, थोड़ा मोटा कपड़ा, मैंने भी तौलिया यूज़ करता हूँ, तो वो आप ढक के रखा करो, जिससे कि धूल मिट्टी कम जाए, इससे लाइफ बढ़ती है प्रिंटर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाकी और भी मैं प्रिंटर की वीडियोस बनाता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड।